नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। और एमपी तक एक बार फिर से आ गया है आप सभी के बीच मौसम का हाल लेके। मध्य प्रदेश के कई अंचलों में फिलहाल बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि देखने को मिल रही है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से अगले 3 दिन का जो अनुमान जारी किया गया है उसके मुताबिक अगले 3 दिन ऐसे ही हालात मध्य प्रदेश में बने रहेंगे। खासतौर पर महाकौशल के क्षेत्र में आपको बता दें कि ओलावृष्टि की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। इसके अलावा बारिश होने की भी संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। आपको बता दें कि बालाघाट, मंडला और डिंडोरी में बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं अगर ओलावृष्टि की बात करें तो बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, कटनी, उमरिया इन तमाम जगहों पर और सिवनी में भी ओलावृष्टि की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। वहीं आपको बता दें कि आने वाले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में खास तौर पर इसी तरीके से बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है। किसानों के लिए खास तौर पर एडवाइजरी जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। वहीं बता दें कि गेहूं की कटाई का इस वक्त समय है, ऐसे में ओलावृष्टि और बारिश के चलते किसानों को कहीं ना कहीं नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल बता दें कि मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में बैतूल और भोपाल के भी कुछ संभागों में हल्की बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। खबर कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मध्य प्रदेश में तमाम खबरों के बने रहिए एमपी तक के साथ।